सो एवरीबॉडी, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। जिनको भी जॉब्स चाहिए कोलकाता लोकेशंस में, वो वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि दोस्तों आपका क्वालिफिकेशंस अगर नहीं है, 8 पास है, अनपढ़ है तो भी वीडियो को देखना, 10th पास है तो भी वीडियो को देखना, 12th पास है तो भी देखना, ग्रेजुएशन लेवल पे हो फिर भी देखना। दोस्तों आज के इस वीडियो में जो हम आपको शेयर करने वाले हैं ना, वो जॉब्स सबसे अलग होने वाला है। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, वीडियो को एंड तक वॉच कर लीजिए, ताकि इन्फॉर्मेशन जो भी मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ वो आपको पूरा का पूरा मिल पाए। देखिए दोस्तों, अगर आप 8 पास होते हैं, आप एक कंपनी में काम करना चाहते हैं जो ब्रांड कंपनी हो, उसमें आपको जॉब्स नहीं मिल पाता है, देन गाइज आपका कनेक्टिविटी भी नहीं हो पाता है कि हमें जॉब्स मिले। अगर कोलकाता लोकेशंस में काम करना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं, 8 पास हो, अनपढ़ हो, तो आपको काम क्या मिलेगा? फैक्ट्री इंडस्ट्रीज में मिलेंगे, हेल्पर्स के काम मिलेंगे, यही हुआ। जाहिर सी बात है कि 8 पास कैंडिडेट को सुपरवाइजर का काम तो मिल नहीं सकता है, तो यहाँ पर वेयर हाउसेस में भी नहीं मिलता, क्योंकि वेयर हाउसेस में भी 10th पास अलाउड कर दिया गया। तो यहाँ पर 8 पास कैंडिडेट को काम क्या मिलेगा? तो 8 पास कैंडिडेट को सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री इंडस्ट्रीज में फैक्ट्री हेल्पर का काम मिलेगा। 12 आवर्स ड्यूटी करने पड़ेंगे, और 12 आवर्स ड्यूटी करने के बाद जो उनको सैलरी मिलेगा 26 डेज वर्किंग डेज का, तो आपको सैलरी मिलेगा 9 से 10, 10,500 रुपये तक, 10,500 मैक्सिमम सैलरीज है। रूम फ्री में मिल जाएगा, फूडिंग ऑन रहेगा, या फिर कैंटीन फैसिलिटीज़ कंपनी में अवेलेबल रहेगा, तो आपको चार्जेबल्स रहेगा। फर्स्ट हो गया 8 पास वाले के लिए। 10th पास वाले के लिए बात करते हैं, वेयर हाउसेस पैकिंग पिकिंग हेल्पर्स। ओके, यहाँ पर पैकिंग पिकिंग्स लोडिंग अनलोडिंग हेल्पर, वेयर हाउसेस हेल्पर, सीधा बोल सकते हो कि वेयर हाउस में आपको हेल्पर का काम मिलेगा, ठीक है। 10th पास कैंडिडेट को, जिसमें आपका 8 से 9 घंटे ड्यूटी होंगे, सैलरीज जो होंगे 12 से 13,000 रुपये होंगे, जिसमें आपको ना ही रूम मिलेंगे ना ही फूडिंग मिलेंगे, नो रूम नो फूड का सिस्टम्स होगा, एंड गाइस बस फैसिलिटीज़ अवेलेबल रहते। तो अगर आप सोचते हो कोलकाता में बस फैसिलिटीज़ के साथ में ऑलमोस्ट काम करना, तो कर सकते हो, अपने घर से जाके कर सकते हो, लेकिन आपका बशर्ते घर उस लोकेशंस में होना चाहिए। जैसे कि ज़्यादातर रिक्वायरमेंट आते हैं वो मैं आपके साथ में शेयर कर देता हूँ, दानकुनी में आते हैं, श्रीरामपुर में आते हैं, यही सब लोकेशंस में जॉब्स आते रहते हैं। तो ये हो गई 10th पास वाले के लिए बात। 12th पास वाले के लिए बात करते हैं, जो हमारा मतलब लेटेस्ट जो मतलब हायर क्वालिफिकेशन 12th पास तक हम जॉब प्रोवाइड कराते हैं। तो 12th पास वाले के लिए बात करें तो यहाँ पर वेयर हाउसेस असिस्टेंट का काम मिल जाता है, जैसे पैकिंग असिस्टेंट, स्कैनिंग असिस्टेंट, पिकिंग असिस्टेंट, यही सब का काम मिलता है। तो बेसिकली इसमें सैलरी क्या होता है, 13,000 से लेकर 15,000 रुपये तक होते हैं। इसमें भी नो रूम नो फूड का सिस्टम होता है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं नहीं समझ पाते हैं। नो रूम नो फूड का सिस्टम्स का मतलब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, नो रूम नो फूड का सिस्टम का मतलब ये होता है कि आपको रहने की सुविधा भी नहीं मिलेगी, खाने की सुविधा भी नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ आपको जानना बेहद ही ज़रूरी होता है। किसी भी कंपनी में जाते हो काम करने के लिए, तो पहले उस कंपनी के बारे में डिटेलिंग समझो, भले ही वो वीडियो 2-3 मिनट का है, 2-3 मिनट में तो आपका ऐसा नहीं कि आपका कैरियर खराब हो रहा, कैरियर बनाने के लिए टाइम एक्सपेंड करना ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ पर। ऑलमोस्ट हम जो आपके साथ में शेयर कर रहे हैं, तो वो 2-3 मिनट के वीडियो को देख के अगर जाते हो तो आपका प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा सॉल्व हो जाता है। एंड गाइस, कॉन्टेक्ट नंबर मैं स्क्रीन पे ऐसे ही बेसिकली नॉर्मली शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको इस लेवल के जॉब चाहिए, 8 पास 10 पास 12 पास, और आपका क्वालिफिकेशन ये सब है, तो आप जॉब्स कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों मैं जो रिकमेंड करता हूँ ब्लू माया इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड को, क्योंकि ये एक एजेंसी जेन्युइनली तरीके से वर्क करती है, एंड गाइस जॉब्स भी मिलता है। सो एवरीबॉडी, आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर हमारा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अभी के अभी कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।